वहां दरवाजे पे क्या कर रही हो? बाहर आओ। विद्या नाराज हो? नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल जब मैं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे ऐसे हालत में शादी नहीं करना चाहिए था। दरअसल जब मैं बच्चा था तभी से कुछ ऐसी बुरी आदतें लग गई थी कि, या ये कहूं कि बुरी आदतों के संस्कार जन्म से ही मिले। मेरे पिता बहुत ही कामी और निर्लज्ज व्यक्ति थे। मां के साथ खुले आप, यहां तक कि उन्हें उचित अनुचित का भी ख्याल नहीं रहता था। कई बार तो मेरे सामने ही वो समझते थे कि मैं छोटा बच्चा हूं, ये सब बातें क्या ही जानूंगा। पर उस इंसान ने कभी ये नहीं समझा कि एक नासमझ बच्चे पे इसका क्या असर पड़ेगा। थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने लगा तो उनके तकिए के नीचे, चादर के नीचे, उनकी कोट की जेबों में कभी कभी अश्लील चित्र वाली किताबें दिखाई दे जाया करती थी। एक बार देख लिया तो चस्का लग गया। मैं छुप छुप के उसे पढ़ने लगा और नतीजा ये हुआ कि बहुत ही कच्ची उम्र में, जबकि मेरी मूंछ की रेखाएं भी ठीक से नहीं निकली थी, मुझे वो सारे रहस्य मालूम हो गए जो हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को बड़े होने के बाद भी नहीं पता चलता। नहाती औरतों को देखने में दिलचस्पी रहने लगा, पेशाब करती और पखाना जाती औरतों को देखने की जोड़ तोड़ में रहने लगा। बच्चों के साथ खेलने लगा। फिर भी कामना न बुझती तो जहां अकेला एकांत पाता जुट जाता, पकाने में रात को घर में बिस्तर पे, दिन में 2 बार 4 बार 6 बार, लेकिन तृष्णा फिर भी शांत ना होती, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती। एक आध बार रंडियों के कोठे पे भी गया, उन्हें देने के लिए रोज रोज पैसे जुटा पाना बहुत मुश्किल होता था। हालांकि वो बहुत सस्ती थी। अंत में एक ही रास्ता बचता कि रात को अंधेरे में दिल की सारी भड़ास निकालूं और धीरे धीरे मैं खाली होता गया, खोखला होता गया और आज तुम्हारे सामने इस हालत में खड़ा हूं। मैं तुम्हें हृदय की गहराइयों से प्रेम करता हूं। मैं सब कुछ भूल गया तुम्हें पाकर। मुझे लगा कि मेरी झोली में दुनिया की सारी खुशियां सिमट आई है। मुझे पता है विद्या कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? विद्या विद्या विद्या, विद्या।
शारीरिक सुख तो एक भौतिक सुख होता है ना, एक क्षणिक आनंद, वो क्षण गुजर जाता है तो विरक्ति उत्पन्न होती है मन में। भोगा हुआ एक एक पल जी को सालता है, मनुष्य की सार्थकता खोजता है। परंतु आत्मिक मिलन तो अलौकिक है ना, अटूट, एक बार हो जाए तो बस गहराता ही जाता है। बिंदिया, बिंदिया ये वो रंग है जो कभी फीका नहीं पड़ता, कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती बिंदिया, सिर्फ महसूस की जा सकती है। बिंदिया मैं तुम्हें आत्मा से प्रेम करता हूं, तुम्हारा रंग रूप यवन शरीर आत्मा सब कुछ मेरी आत्मा में घुल मिल सा गया है। बिंदिया मैं मर भी जाऊंगा ना तो मेरी आत्मा तुम्हारे लिए भटकेगी। विद्या मैं तुम पे अटूट विश्वास करता हूँ, और ये विश्वास ही मुझे मेरी असमर्थता को समर्थता में बदलने की क्षमता देगा। बस विद्या मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे विश्वास, मेरी आस्था, मेरे प्रेम को मत ठुकराना विद्या, मुझे छोड़ के मत जाना। पिछली रात जो मैंने किया है वो माफी के लायक तो नहीं है, पर अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना। हाँ पीऊंगा।